ये पानी नहीं है, वहाँ बहुत टांग गंदा पानी पी रही है आ नाड़ियाँ का, तो बिल ला लेंगे ने, सारा कुछ कर लेंगे ने, मीटर पट लेंगे ने, पानी नहीं देते, रियाय मार रहे हैं, उजू करने वाला पानी नहीं है। ਅਸੀਂ ਕੌੜਾ ਪਾਣੀ ਭਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ, ਉਹ ਜੇ ਲੱਭਦਾ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਕਦੇ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਕਦੇ ਦਾਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਗੰਦਾ ਬੋਹ ਵਾਲਾ ਆਉਂਦਾ, ਫਿਲਟਰਾਂ 'ਤੇ ਭਰ ਭਰ 'ਤੇ ਤਰਲਾ ਮਾਰਦੇ ਪੈ, ਭੁੱਖੇ ਤੱਸੇ ਮਰ ਗਏ ਪਾਣੀ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਤਾਂ ਬੜਾ ਗਮਾਮਾ ਕੀਤਾ ਇਹਨੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ਬਲਾਕ ਕੀਤੀਆਂ ਇਹਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਅੱਜ। ਪਾਣੀ ਪੀਵਣ ਇੱਥੇ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਨਾਮ ਜਿੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੈਂਪ ਪੁਰਾਣੇ ਟੁੱਟੇ ਪਏ ਜੀ, ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਨਿਕਾਹ ਪੈਪ ਹੈ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪਾਵਣ ਵਾਲੇ, ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਐਡੇ ਐਡੇ ਵਿੱਚ ਕੀੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇ, ਅਸੀਂ TMA ਕੋਲ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਹਰ ਆਦਮੀ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਲਦੀਆ ਦਾ ਆਦਮੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਬਈ ਖੁਦਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਸਾਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਹੀ ਕਰੋ ਔਰ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਵੀ ਸਹੀ ਕਰੋ। पीने के पानी का जो है वो पाइप अरसा दराज से यहाँ पड़ा हुआ है, जिसमें बाज का जाला भी फंस जाता है, लेकिन नई लाइनें भी बिछाई गई हैं, TMA की तरफ से भी बिछाई गई हैं, और साफ पानी काफ़ी हद तक ये मसला हल भी हो चुका है। अब कहीं कहीं जैसे कि अब बारिश हुई तो वो सारा शहर ही डूबा हुआ था पानी में, तो सीवरेज भी ओवरफ्लो हुए, तो उस वजह से जिन लोगों के पाइप लीक थे उन्होंने डोंकी पंप चलाए, तो वो गंदा पानी वो सक करके उनकी टैंकियों में भर गया, तो फिर वो एतराज़ करते हैं कि जी बल्दिया कुछ नहीं कर रही, गंदा पानी आ रहा है। जो भी आता था पानी इतना गंदा, इतनी बदबू, इतनी स्मेल उसमें आती है कि जो बच्चे पीते हैं वो फौरन बीमार हो जाते हैं, जिधर भी जाती है सब तपा जाती है, घड़े भी लेके जाती है, सड़क ब्लॉक भी किया, लेकिन किसी को कोई असर नहीं होता। टीम आती है, ठीक है बीपी हम आपका मसला हल करते हैं, लेकिन आज तक किसी ने किया ही नहीं। वो पानी इस तरह आता है कि जिस तरह एक उसमें गंदी बदबू आती है, और दूसरी बात तो वो गहरा गहरा सा आता है, जिस तरह खाली का पानी मिलावट किया होता है। पानी की वजह तो ना बच्चे बीमार हो रहे हैं, और साढ़ा बच्चे की हालत वेखो कि पूरे 6 महीने हो गए, साड़ी आप की हालत वेखो की हुई हुई है, पानी पी गई फिर गंदा पानी मजबूरी तौर सानू पीना पैंदा है। पानी सही नहीं आ रहा बिल्कुल, बच्चे पानी पीते हैं, नशे पीने हैं, बीमार हो गए हैं, इस टाइम मैं खुद बीमार हाँ, बच्चा भी बीमार है, काम तो गया है, मजदूरी करने हैं, तो मेहरबानी कर, असं जाने साहबा को गल ही नहीं सुनते, बिल साढ़े को लै जाते, 2 साल हो गए मेरा बिल मैं भर रहा, लेकिन मेरा पानी नहीं आया बिल्कुल, ये बिल भी मैं भरे ना, लेकिन पानी साढ़ा नहीं, अगर आया है तो गंदा पानी आया टूटियाँ वाला, किसी काम का नहीं। हम बहुत बदनसीब लोग हैं कि हमें साफ पानी भी मुयसर नहीं है, बाकी चीज़ें तो बहुत दूर की बात है, पानी भी हमें साफ मुयसर नहीं है, और इसमें कोई शक नहीं है कि पानी में कंटेमिनेशन हो रही है, और शायद ही कोई ऐसा इलाका हो जिसमें साफ पानी लोगों को मिलता हो, वरना आलूदा पानी ही सबको मिलता है। बच्चों में तो अमूमन डायरिया आम पाया जाता है, डायरिया है, डसेंट्री है, मौसम के लिहाज से टाइफाइड बुखार भी हो जाता है, हेपेटाइटिस भी आम है, तो ये सारी जो बीमारियां हैं ये सारे आलूदा पानी से होती हैं, और फिर आलूदा पानी भी ऐसा है कि साफ नज़र आता है। लोगों में खुद अवेयरनेस भी होनी चाहिए कि अगर वो महसूस करते हैं कि बीमारियों की वजह पानी की वजह से कोई बीमारियाँ पैदा हो रही हैं, तो वो उनमें इतनी अवेयरनेस हो ना कि हम इसको उबाल लें, या इसमें कोई एक्वा प्योरा गोलियाँ डाल दें, टेबलेट डाल दें, या इसको क्लोरीनेट कर लें, ये थोड़ी बहुत ही अवेयरनेस तो पब्लिक में भी होनी चाहिए। जी भाईजान, पानी इतना गंदा आता है, डोंकी चलाते हैं उसमें भी जाला आता है पानी में, इतना गंदा आता है, रात बच्ची ने पानी पिया रात की बीमार, सुबह नलका चलाया नलके में भी 2 दिन तब भरे, वही जाला जनावर आते हैं पानी में, बहुत गंदा आता है। ये भी नहीं है कोई इंसान किसी को भर के ले आते, चाहे बच्चों की रोजी कमा लें चाहे पानी भर लें। पीने का जो पानी बाहर जो पाइप लाइन आ रही है जी पीने के पानी की, वो जिस वक्त शहर में दाखिल होती है वो पाइप जो है वाटर सप्लाई का पाइप शहर में जब आता है ना जी,
तो उसके बाद ये सीवरेज सिस्टम है इसके, क्योंकि ये सीवरेज सिस्टम नाकाम हो गया, फेल हो गया, अच्छा नहीं है, जगह जगह लीकेज, ये गंदा पानी फिर वाटर सप्लाई का पाइप जो वो भी लीक हो जाते हैं, उनमें फिर वो मिल जाता पानी, तो वो मुझे सेहत है। प्रॉब्लम दो है, एक तो वाटर सप्लाई का, वाटर सप्लाई नाकस है, पाइप जगह जगह से फट गए हैं, उनमें पानी जो है वो गंदा पानी शामिल हो रहा है, लोग गंदा पानी पी के बीमार हो रहे हैं। हर बंदा यहाँ मेदे का मरीज़ है, गुर्दों का मरीज़ है। यहाँ पे सीवरेज का नाकस इंतज़ाम है, बारिशें जब ज़्यादा हुई हैं तो जगह जगह पानी खड़ा है, पानी के बीच में से लोग गुजर रहे हैं, और पानी की निकासी का बिल्कुल नाकस इंतज़ाम है।